खोरावार के रायगंज निवासी गामा निषाद विदेश में रहते थे। 2 महीने पहले घर आए थे। उन्होंने गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बंगला चौराहे पर अपना मकान बनवाया है। वहीं पर पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। गामा के छोटे भाई रामा की बेटी की शादी तय है। सोमवार की रात में मटकुड़वा का कार्यक्रम था। गामा अपने नए मकान से अपनी पत्नी 38 वर्षीय संजू और बेटी 22 वर्षीय प्रीति के साथ पैदल जा रहे थे कि रास्ते में घात लगाकर बैठे बदमाश ने धारदार हथियार से तीनों पर हमला कर उनका गला रेत दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने शव को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद गांव के लोगों को जानकारी हुई और लोगों ने पुलिस को खबर दी। 3 लोगों की हत्या की सूचना के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एडीजी अखिल कुमार, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ कैंट श्यामदेव बिंद भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। शव को वहां से हटाने के साथ ही गांव में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। गामा और पत्नी तथा बेटी की हत्या क्यों हुई और किसने की, अभी कयास लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। गामा निषाद 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। 2 नंबर के भाई रामा हैं तो सबसे छोटे सरविंद। अन्य दोनों भाई अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते हैं। गामा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा सुग्रीम है जो कि बाहर रहकर कमाता है। बेटी प्रीति है जिसकी हत्या हो चुकी है। छोटा बेटा अच्छे लाल है, वह माँ बाप के साथ नहीं निकला था इसलिए उसकी जान बच गई है। घटना के बारे में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि 22 वर्षीय प्रीति के एक तरफा प्यार में पागल आलोक पासवान ने अपने प्यार का इजहार प्रीति से किया था, लेकिन प्रीति के मना करने पर आलोक पासवान ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया है। पुलिस आलोक पासवान को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, हर क्षेत्र पड़ता है खोराबार थाने का, जिसमें कि आज पुलिस को सूचना मिली एक पति पत्नी और इनकी बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिस पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं में एसएसपी और एडी महोदय पहुंचे और इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त है मुख्य अभियुक्त उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक ही अभियुक्त इस घटना में बताया जा रहा है, अभी उसे गिरफ्तार किया गया है और आलोक पासवान नाम के इस अभियुक्त को पूछताछ के लिए अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक ये सामने आया है कि इस अभियुक्त का जो मृतक बालिका है, लड़की है 22 वर्षीय करीब, उसके साथ प्रेम प्रसंग का इसने प्रयास किया था, जिसमें कि लड़की के द्वारा मना करने पर अभियुक्त द्वारा ये घटना कारित की गई है और इसमें मौके पर फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट की टीम आई है और तमाम साक्ष्य संकलन के आगे कार्यवाही की जा रही है।